गाइस ये अंदर है अभी बैठी हुई बारह इधर ही देख रहा है। गाइस हम भी जा रहे हैं एडमिशन कराने, अब यहीं पढ़े हैं कॉलेज एलिनिस्टा को त्याग दिए हैं, संजीवियर में एडमिशन करा लिए हैं। आप किसी को भी सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हो रहा है सुबह और मैं जस्ट सो के उठा, मुँह कंध हो के आया हूँ और अभी मेरे को जाना है कॉलेज। और गाइस आज मेरी स्पेशल डे मिले बिकॉज आफ्टर संबंध कितना अच्छे साथ महीने बाद मेरी बहन आ रही है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, उनको रिसीव भी करना है तो देन कॉलेज के बाद में उनको रिसीव भी कर लूँगा। तो अब दिखाते हैं आगे को, आपको आगे का क्या क्या नहीं है। गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं कॉलेज और ये है माही और ये इसका ब्लॉगिंग चैनल है और मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आज। थोड़ी कोई दिक्कत है माही? ना भाई कोई दिक्कत नहीं, बनाओ ना भाई, तुम ही लोग का तो है। और ये फ़ोन बता दे किसका है, बता दो इनका है। ये हमारे पता ही बॉस, आप लोग इनको जानते ही होंगे। गाड़ी चेक, हम लोग का एग्जाम है, एग्जाम नहीं मतलब इंग्लिश का टेस्ट है, पीछे करो ना, इंग्लिश का टेस्ट है हमको देना है यहाँ पे, किसी ने नहीं पढ़ रखा है, इनको तो हम दिखाई देंगे और ये हमको दिखा देंगे। तो जाते हैं टेस्ट देने, थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, असाइनमेंट भी देना है कि सर को। सो गाइस मीट यू इन द क्लासरूम। सो गाइस हम क्लासरूम में आ गए, ये मेरा नाम अमन नंदन प्रसाद सिंह है, काफी लंबा नाम है, अरे आओ ना पढ़ा देते हैं हम पढ़ा रहे बच्चा लोगों को, इसको भी पढ़ा देंगे। सो गाइस अभी हम लोग का मन खराब हो चुका है, हम लोग क्लास में आए थे बट अभी मन नहीं कर रहा है। हम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं, असाइनमेंट उस लड़की को दे रहे हो जमा कर देगी। कौन सी लड़की? शक्ल नहीं देखो गाइस, वो जमा कर देगी। कोई नहीं दे रहा है, हाँ सर मैं जमा करवा देंगे, हम दलाल है, हम दलाल है, दलाल है, हम जमा करवा रहे हैं, हम लोग दलाल हैं, हम लोग अब टेस्ट नहीं देंगे सर, बाहर में जाए हम लोग मन नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं गाइस, डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं गाइस। गाइस अभी हम और प्रियांशु भाई जा रहे हैं एग्जाम छोड़ के घूमने, एग्जाम का फिरकी ले लिए हम लोग, हाँ और जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने पीने, ये हमको पार्टी दे रहे हैं। अच्छा इनका असाइनमेंट हम इतने नहीं, ये कब हुआ? ये अभी होगा गाइस, कुछ ऐसा नहीं है गाइस, काफी चलो। हाँ तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एग्जाम छोड़ के कुछ खाने पीने, ये खिला रहा है, हम बोले थे दे देते हैं गाइस, गाइस मैंने बोला था कि एग्जाम दे देते हैं, पर लौंडा बोला कि क्या देगा एग्जाम, मेरे को डिमोटिवेट किया है, ऐसा ऐसा बच्चा फ्यूचर बर्बाद कर देगा। डिमोटिवेट कर रहा है, देखो एग्जाम था वो क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट उसके लिए दो घंटे बर्बाद कर, ऊपर से इतना लिखो, बाप रे भाई, माँ बाप का 4 लाख 2 लाख रुपया फंसा के कॉलेज में लड़का आया है। 4 लाख भाई देखो, 1.5 लाख फी, 1.5 लाख की बाइक, 2 लाख का तेल लग जाएगा 3 साल में, पूरा ले देंगे 6-7 लाख हम लोग को बीबीए का। गाइस हम लोग जा रहे हैं खाने पीने में, तो इतना हम लोग गलगोटिया से कर लेते हैं बीबीए में। गाइस गलगोटिया से हम लोग अपनी वीडियो ज़्यादा जितना हम लोग यहाँ पे हम लोग शूटिंग किए हैं, तो अभी जा रहे हैं बैडिया, वहाँ जाके कुछ रन को कुछ काम है, उसी काम से हम जा रहे हैं, कुछ खा भी लेंगे, इनका खर्चा भी करवा लेंगे। अच्छा तो दिखाते हैं आपको तुमका बाद में गाइस, तो देखते रहिए। हम लोग आ गए हैं, पर पता है गाइस कहाँ है, हम आए हैं संजीवियर स्कूल, इनका कोई रिलेटिव है उनका बच्चा का एडमिशन के लिए, पूछने आए हैं क्या प्रोसीजर क्या नहीं है, और मेरे को बोला कि चल भाई तुझे कुछ खिला के आता हूँ, मतलब काम निकलवाना था इसको, और मेरे को लाया है यहाँ पे एडमिशन करवाना इतने धूप में। और बाद में गाइस इसको मैं कुछ ना कुछ कराऊँगा चाचे दुकान में जाके, और चाय वाय गाइस चाय हम लोग पी लेते हैं, चाय गाइस, हाँ चाय से ज़्यादा कुछ नहीं सोचिएगा। तो अभी जा रहे हैं इनके साथ कुछ, अब जा रहे हैं अंदर स्कूल में, चाय के साथ बिस्किट ले सकते हैं, जाते हैं स्कूल में, अब दिखाते हैं अंदर। हम आए हैं स्कूल संजीवियर, आप देख सकते हैं यार, बट आ गए हैं यहाँ पे, क्या फील हो रहा है आपको स्कूल की याद? गाइस लिटरली 4 साल करीब बाद मैं आ रहा हूँ स्कूल, आया हूँ दूसरे के स्कूल ही, बट लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ये हो रहा है, मैं नहीं इमोशनल भाई, गाइस काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है स्कूल आके, हाँ रोना सही में गाइस, बहुत यादें हैं स्कूल की, तो कोई ना उम्र के साथ सब कुछ ढालना पड़ता है ज़िंदगी में, तो गाइस कॉलेज को भी मिस करेंगे हम। हाँ ये बात देख, कुछ बात टाइम कॉलेज 2 साल बाद कॉलेज को भी ऐसा ही व्लॉग आएगा, फिर कॉलेज को भी मिस करेंगे हम लोग। जा रहे हैं अभी अंदर, अंदर का फॉर्मेलिटी देख लेते हैं, देख लीजिए स्कूल काफ़ी अच्छा है, पर छोटे छोटे बच्चों का छुट्टी हो रहा है, देख के बहुत इमोशनल हो रहे हैं हम, और यहाँ पे हम आगे ब्लॉग बना रहे हैं, कंटेंट मिल गया मेरे को अच्छा खासा, और कुछ दिखा भी दिए यहाँ का क्या क्या नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, काश हम भी छोटे बन जाएं, वापस जाएं स्कूल, हम जाएगा स्कूल, चलो चलो आते हैं, चलो एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने जा रहे हैं हम लोग, उसी से जान लिए अपना भी करवा लेते हैं।
गाइस अब हम लोग साइड होकर ब्लॉग ले रहे हैं, काफी लोग आ जा रहे हैं, काफी लोग हम लोग को देख ही रहे हैं, तो ऑकवर्ड सिचुएशन में बच्चे सारे के सारे बच्चे इधर ही देख रहे हैं। गाइस हम भी जा रहे हैं एडमिशन कराने, अब यहीं पढ़ेंगे कॉलेज, एलिनिस्टा को त्याग दिए हैं, संजीवियर में एडमिशन करा लिए हैं। आप किसी को भी हमसे मिलना हो तो संजीवियर आके हमसे मिल सकते हैं। सही बात है, बैरिया आदर्श ग्राम संजीवियर्स, माई वाई से मिलना हो आज हम लोग। कौन से क्लास में एडमिशन ले? गाइस अभी मैं नर्सरी में जाऊंगा, ये यूकेजी में जाएगा। मेरे को दाढ़ी नहीं आया तो मैं छोटा लगता हूँ, ये बड़ा लगता है। दाढ़ी नहीं आया मेरा, थोड़ा थोड़ा आ गया, तो मैं सेकंड में एडमिशन ले रहा हूँ। सेकंड, हाँ मेरा सेकंड यूकेजी में, तब यूकेजी में नहीं भाई, यूकेजी ज्यादा छोटा है, बड़ा है पगला, नर्सरी छोटा, ज्यादा छोटा मेरे हिसाब से। अच्छा, एक क्लास वन में मैं जा रहा हूँ गाइस। अच्छा, तो मैं थ्री में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं थ्री में एडमिशन ले रहा हूँ। ये पता करते प्रोसीजर क्या है, एज एज कर लिए है। अच्छा हाँ, प्रोसीजर तो पता ही, वैसे एज वैसे हम लोगों को बहुत ज्यादा है, डबल ट्रिपल ट्रिपल एज है हमारा सेकंड के साथ। टांग अपना कटवा लेते हैं, तुम भी टांग कटवा लो। हाँ, टांग छोटे छोटे करवा लेते हैं और ये क्लीन शेव वगैरह करवा के एज हम लोग अपना छोटा कर लेंगे अभी। तो गाइस बट एक बात तो है, बट काफी अच्छा लग रहा है, स्कूल आ गए, हमारी पुरानी यादें ताजी हो रही, जब मैं भी छोटा था, याद तो नहीं है ढंग से उतना, बट जब ये छोटा बच्चा था पैंट में सुसु करता था। नहीं, जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया तो उससे भी डबल शरारत करता हूं। तो गाइस थोड़े देर में मिलते हैं, अभी एक हमें काम आ गया। गाइस हम लोग एडमिशन करवा लिए हैं, इन्होंने थर्ड में करवाया, हम लोगों ने वन में करवाया, मेरा फोर्थ में लिया, बोला एज ज्यादा दाढ़ी वाड़ी आ गई तो फोर्थ में, और इनका सेकंड में। अच्छा, हमें वो सेकंड में लिया गाइस, तो हम भी अब कल से स्कूल आएंगे। ये इनका भी दाढ़ी है बट इन्होंने शेव करा लिया पूरा, तो मुझे वन में, टू में भेज दिया ना। हां, टू में गाइस काफी ज्यादा यहां का फीस है, पर यहां मैं कंगाल हूं। 2 करोड़, 4 का, 4 करोड़, 4 करोड़ का साल नहीं, मंथ है। हां, तो अभी छोड़ो, जो भी एडमिशन करा लिए, अब कल से हम यहाँ कॉलेज छोड़ के स्कूल आ रहे हैं, तो जा रहे हैं अभी हम चाचियाँ, तो फिर मिलते हैं आपसे। और हाँ, ये बोलो, अकेले जा रहे हैं, हमको छोड़ के जा रहे हैं, इनको तो काम है, हमको तो काम है, इंपॉर्टेंट तो करवाना है, बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा। तो निकलते हैं और मिलते हैं आपको चाचियाँ। जीवन मरा, हम निकल गए हैं, मैं चाची यहाँ से निकल गया हूँ, अभी जा रहा हूँ, दीदी आ गई स्टेशन पे, मतलब आने वाली है जस्ट, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी भी सर्विस के लिए दी हुई है, तो वो भी ठीक करवाना है। तो गाइस पहले गाड़ी लेते हैं यहाँ से, देन उसके बाद निकलते हैं स्टेशन। तो गाइस चाबी मिल गया है, ये मेरा गाड़ी ठीक करवाने दिया था, ठीक हो गया होगा, बोला अगला आदमी की ठीक हो गया है, पिछली बार भी दिया था पर ठीक नहीं हुआ था, पर देखते हैं इस बार गाड़ी मेरा ठीक हो गया है। अब निकलते हैं स्टेशन आ गया, और जा रहा हूँ दीदी को लेने, यार बहुत एक्साइटेड हूँ, काफ़ी आफ्टर बहुत 6-7 महीने बाद मिल रहा हूँ इसमें, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए, जाते हैं और रिसीव करते हैं उसको। गाइस ये अंदर है अभी बैठी हुई, बाहर आ रही है, आओ आ रहा हूँ, ये लो, और भी है बस बैठे थे, इसमें और गर्मी है, लिटरली और गर्मी है गाइस, ये रही हाय, अभी मैं इसी में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी लग रही थी, ये आ गए यहाँ पे, हाय बोलो मेरी सब्सक्राइब करने के, बोलो हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब करने के बोलो ना, वो तो कर ही रही है सब। तो गाइस अभी जाते हैं घर, मैं इसी में बैठ के, ठंडा है बहुत, मतलब हो जाते हैं, इसका निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं घर, आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लड़ाई चल रही है गाइस, सॉरी बोल दो, बोलो गाइस, मुझसे कोई मिलता ही नहीं रहा, मैं पापा आप मिलोगे मुझसे, आप मैं हम और आप मिलते हैं, क्या पापा को छोड़ गाइस, ये मम्मी है, तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस हम लोग घर आ गए थे, देन मैं सो हो गया, दीदी भी रेस्ट वेस्ट कर ली, काफ़ी आई थी, तो अभी मैं और दीदी जा रहे हैं बाहर घूमने फिरने, कुछ खाने पीने आइए, थोड़ा सोच रहा हूँ खर्चा वर्चा करवा दूँ, तो भाई इतने दिन बाद आइए तो फर्ज बनता है मेरा। तो गाइस अभी जा रहे हैं लोग बाहर, उनको थोड़ा कुछ देखना था, तो उन्होंने बोला मार्केट ले चलो, अम्मी बोले ठीक है चलो मार्केट, अम्मी चलते हैं तुम्हारे साथ, और कुछ कुछ खिला खिला के देना मेरे को इस बहाने, तो बोले ठीक है चल। तो गाइस अब जा रहे हैं मार्केट, और मिलते हैं आपको मार्केट में। गाइस हम और ये आ गए वेस्ट साइड, इनको कुछ लेना था, लेना नहीं था, देखना था, तो मैंने बोला चलो हम तुमको दिखा देते हैं कलेक्शन है ऊपर वेबसाइट में, अच्छा था सूट का, तो उनको दिखा देते हैं, फिर अगर पसंद आया तो ले लेंगे, नहीं पसंद आया तो फिर नहीं लेंगे। गाइस मैं जा रही हूँ, वरना ये लड़का मेरा बहुत खर्चा करा देगा, अभी तक इसका ख़त्म ही नहीं हुआ है, खर्चा करवा रहा हूँ, इतना मेरा है भी नहीं जितना ही खर्चा करवा देगा। गाइस इसके पास कार्ड है पर ये नहीं करना चाहती है, अपने लिए रखी हुई है, दिखाई दो ना, ले लो, बाप रे गाइस वीडियो में बोल, वीडियो जैसे कट करूंगा लात मार के बोलेगी चल यहाँ से, चल नहीं खरीदना है, जैसे जाते हैं घर, फिर से किसी भी और खर्चा करवाई दिया मैंने, जो चाहिए था वो नहीं मिला यहाँ पे, तो अब निकलते हैं बाहर कुछ खाने पीने के जाते हैं। छोटे भाई होने का भी अलग ही खैर है, आज वो एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, देखिए आप छोटे हैं
तो आपको बड़ा पेमेंट करता है, और बड़ा जब अपना हो तब तो बात ही अलग है। तो वो पेमेंट कर रही है, मैं यहाँ आराम से बैठा हुआ हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, आएगा खाऊंगा। बस ये फ़ायदा है कि छोटे में, और ये भी है बट बहुत डांट भी समझाता है छोटा, और कोई नहीं। बट बड़ा का बहुत फ़ायदा है यार, मेरी बहन बहुत अच्छी है, सबकी होती है, मेरी तो और ज़्यादा अच्छी है। मेरे को कुछ भी खाना होता है ना गाइस तो मना नहीं करती है। तो लव यू दी, आओ जल्दी आओ, सामान लेके आओ दी। मिलता है जब ऑर्डर आ जाएगा। तो मैंने मंगवाया छोटा मोटा चीज़, ये लड़की डाइट पे है तो ये नहीं खाएगी, ये मैं खाऊंगा, फ्रेंच फ्राइज और देन पेप्सी है। मेरा उतना मन नहीं था खाने का, तो मैंने बोला कि इससे बाद में खर्चा करवाऊंगा, छोटा मोटा कर ले, ये अभी बाद में खाएगी क्योंकि डाइट पे है। मैं डाइट पे नहीं हूँ गाइस, मुझे तो गेन की जरूरत है, तो मैं ये सब खा रहा हूँ। देन मिलते हैं आपसे बाद में। मैं अभी घर आ गया, और आई मेरे कारण बिचारी डांट खा गई, आज ही आ जाइए, और आज ही डांट खिलवा दिया मैंने, क्योंकि 9:30 हो रहा है गाइस, 9:30 हो रहा है, इतना लेट आया मैं उसके साथ घूम फिर के, तो मेरे कारण वो डांट खा गई। पर कोई मतलब नहीं मेरे को, आप लोगों को मज़ा आना चाहिए गाइस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जा जा। तो गाइस सॉरी उनको कह रहा हूँ, किसको सॉरी कह रहा हूँ पता नहीं। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ गया, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठोक दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक मस्ती भरे एनिमल ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री राम, हरे कृष्णा, टाटा बाय बाय।